फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग के बोन सिस्टम के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप पता है ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, सर हमें पार्शियल ड्रॉप लेना है, क्या कौन से कॉलेज में बॉन्ड रहेगा, कितना बॉन्ड रहेगा, क्या सिस्टम है बॉन्ड का। तो आइए जानिए इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मेन बात आती है, कौन कौन सा बच्चा पार्शियल ड्रॉप के लिए अप्लाई कर रहा है, उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है BMS कोर्स एक दोस्तों बहुत बेहतरीन कोर्स है, इसके आगे जाके बहुत स्कोप है। परंतु आपने ये भी ध्यान रखना है, BMS में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप ये सोच रहे हैं BMS को आप बिना पढ़े पार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों एंटोमी और फिजियोलॉजी सी वाले आपके सब्जेक्ट आते हैं जो कि MBBS के फर्स्ट 2 ईयर्स के होते हैं, वो सेम होते हैं। तो आपको दोस्तों BMS में पढ़ना तो पड़ेगा, उसके साथ आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तीर से दो निशान है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत जगह पर जाकर आप लगाना चाह रहे हैं, ऐसा ना कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके नीट की प्रिपरेशन साथ साथ करोगे तो डिस्टर्ब होगे। आपको नीट ही करना, आप नीट कीजिएगा, बाकी आपने BMS में एडमिशन लेना तो BMS में ली जाए। परंतु दोस्तों फिर भी कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, सर हमें फिर भी जानना है पार्शियल ड्रॉप, किस कॉलेज में बॉन्ड है, किस कॉलेज में बॉन्ड नहीं, हम छोड़ेंगे चाहे हमारी BMS कंप्लीट हो जाए, पर हमने करनी MBBS है। तो उन बच्चों के लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं हम, जिससे कि दोस्तों उन बच्चों को भी अच्छा लग सके कि क्या प्रोसेस रहती है, क्या प्रोसेस नहीं रहती है। दोस्तों देखो, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड दोस्तों एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। आपने उस कॉलेज में सीट ली है, आपको मिनिमम उस कॉलेज की फ़ीस भरनी पड़ेगी, 5.5 साल की जितनी भी है दोस्तों, वो सारी भरनी पड़ेंगी जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स वापस होंगे। प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों सारे कॉलेज में बॉन्ड है, ये आप समझ लीजिएगा। प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले आप ये समझ लीजिएगा, आपके पास इतना पैसा है, आप उस कॉलेज को लीव करेंगे तो आपको 4.5 साल की जो भी उनकी फ़ीस बनेगी वो सारी देनी पड़ेगी, जब भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे कॉलेज की तरफ से। अब बात आती है कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ, डीम यूनिवर्सिटी की तरफ और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ, जिस स्टेट में बॉन्ड है, किस स्टेट में बॉन्ड नहीं है। ये दोस्तों एक प्लस पॉइंट हो जाता है अपने कॉलेज सिलेक्शन करने को भी और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने को भी। जैसा कि आपको पता है कल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, और किसी भी बच्चे को हमारी गाइडेंस चाहिए हो तो दोस्तों आप नीचे दे गए टेलीग्राम लिंक के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे, जिसके कारण आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। आपको बेस्ट कॉलेज के बारे में बताएंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे, आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, लाइव सेशन लेंगे, जिसके कारण आपको दोस्तों दिक्कत ना आए। अब मेन बात आती है, सर हमें बताइए हम बॉन्ड कैसे चेक करें। तो आइए जानिए। सर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीधा सीधा आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट में जाना है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि अभी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें बॉन्ड नहीं है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, NIA जयपुर में बॉन्ड नहीं है आपका, जो दोस्तों राजस्थान में आती हैं, राजस्थान के किसी भी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, NIA जयपुर में भी नहीं है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में आती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू है, इसमें भी बॉन्ड नहीं है आपका। सबसे बड़ी बात है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, अभी जो 5 मेडिकल कॉलेज खुले हैं नए, उसमें दोस्तों मात्र 7,000 रुपये फीस है, ऊपर से आपकी बॉन्ड भी नहीं है, तो ऊपर से आपको क्या चाहिए। और BMS भी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन भी कर लो, आपको करनी है तो नहीं मान रहे तो फिर आप देख सकते हैं, आपको बेस्ट स्टेट राजस्थान रहेगी, इसमें बॉन्ड भी नहीं है और आपके दोस्तों कॉलेज भी अच्छे हैं। परंतु दोस्तों जब भी नए 5 मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनका कोई डाटा नहीं है, तो आप उन्हें अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा BHU, काफ़ी सारे बच्चों की ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, सर BHU से BMS कर लेते हैं, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या इसमें बॉन्ड है। तो दोस्तों फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको अलग से वीडियो बना रखी है, बॉन्ड है क्या नहीं है, इस कॉलेज में आपका बॉन्ड है तो BHU में एडमिशन लेने के बाद आप भूल जाइएगा कि आपने नीट की प्रिपरेशन करनी है। आपके पास पैसे हैं तो दोस्तों बॉन्ड चुका दीजिएगा, नहीं तो आपके 5.5 साल तो बर्बाद जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी बर्बाद जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, सर अलग अलग स्टेट का बताइए, मैं बिहार से हूँ, मैं UP से हूँ, क्या हमारे कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है। दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, राजस्थान, बिहार और UP और हरियाणा तो प्रधान ही है, हरियाणा वालों को कैसे भूल सकते हैं, हरियाणा और पंजाब, ये दोस्तों ऐसे स्टेट हैं जिनमें दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बॉन्ड नहीं है। तो आप इन स्टेट से हैं और आपके स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आप अपने स्टेट कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके इन स्टेट वालों के बॉन्ड एक भी नहीं है दोस्तों, आपसे बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं तो वो बात अलग है, परंतु इसमें दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बॉन्ड नहीं है इन स्टेट में।
इसके अलावा किस स्टेट में बॉन्ड नहीं है, और सर हम कर्नाटका से हैं, बेंगलुरु से हैं, उसमें है क्या? नहीं है, नहीं है आपका, कर्नाटका में भी नहीं है और बेंगलुरु में भी नहीं है बॉन्ड। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर हम नहीं मानते हैं, आपने हरियाणा बोला है, हरियाणा से चेक करवा के देखिए। तो देख आइए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कीजिएगा अच्छी तरह से एक एक इंस्टीट्यूट का, एक एक स्टेट का। हम आपको एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखा देते हैं कैसे चेक करना है आपने। अभी हमने हरियाणा के लिए, तो हरियाणा का आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट, देख सकते हैं इंस्टीट्यूट क्या है हरियाणा में, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, सबसे फेमस है दोस्तों, आपने भी देख रखी होगी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। इसमें कोर्स देख सकते हैं, बीएमएस का आपने चॉइस करना है। आपको यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉलेज की प्रोफाइल के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, फीस की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसा कि हमने कहा है बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे कैसे मेंशन कर सकते हैं ये लोग, तो यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं है इस कॉलेज में। ऐसे ही आप पर्सनली चेक कर सकते हैं एक एक स्टेट का, एक एक कॉलेज का दोस्तों, कि इसमें बॉन्ड है क्या नहीं है। इसकी प्रोफाइल भी दिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर हम नहीं मानते, हमें तो अंदर से देखना है। देखिए दोस्तों आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए, ये देखिए अंदर से क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसकी फीस स्ट्रक्चर दे रखी है, आपकी बॉन्ड का कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब ऐसी स्टेट बताइए सर जहाँ बॉन्ड है, जहाँ पे हमने नहीं एडमिशन लेना है, उत्तराखंड। और दोस्तों साउथ के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें बॉन्ड है, तो वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले आप सोच लीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली में, भाई दिल्ली से हैं सर हम, तो हमें तो एडमिशन लेना ही दिल्ली में, आईपीयू रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। आप बता दीजिए दिल्ली में सर एडमिशन है क्या नहीं, डीयू में, जवाहरलाल कॉलेज में। तो दोस्तों आपका दिल्ली में भी बॉन्ड नहीं है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कर्नाटका बेलगाम और दोस्तों बेंगलुरु में भी आपका बॉन्ड नहीं है। किस में है, छत्तीसगढ़ में है आपका, छत्तीसगढ़ से हैं तो हो जाइए सावधान, आपका बॉन्ड है छत्तीसगढ़ में। आपको समझ में आ गया होगा होप्स, हमने जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, स्टेट थी, उनका आपको बता दिया होगा बॉन्ड स्टेटस के बारे में। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने दोस्तों वापस से मैं ही बोलूँगा, नीट की प्रिपरेशन करनी है तो नीट में रुक जाए, ऐसे अपने फ्यूचर के साथ दोस्तों खेलिए मत। एक तीर से दो निशाने फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असली में अच्छे नहीं लगते हैं। बीएमएससी करनी है तो दोस्तों बीएमएससी करें आपने, और नीट ही करना है तो दोस्तों नीट ही करें, जिससे कारण आपके ड्रॉप भी कम हो सकें और आपको अपना लक्ष्य भी जल्दी मिल सके, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर आपकी कंपेरिजन की बारी, वहाँ पर आदमी पछड़ता ही है। अब आप ये देख लीजिएगा आपको बीएचएमएस अभी कॉलेज मिल रहा है, उसके लिए हम ये बोलते किसी बच्चे को चलो आपको बीएमएस मिल जाता है, वो भाग के खुश होकर बीएमएस में एडमिशन ले लेगा, वो ये नहीं देखेगा कि एमसीए एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। तो आपको दोस्तों जो भी कोर्स है वो आपको दोस्तों खुश होकर करना है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप दुखी मन से कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम अपने मन से नहीं करेंगे कोई कोर्स को, वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसी कारण काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर बीएमएस समझ में नहीं आ रही है, बीएमएस हार्ड है, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। वापस बताता हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट जाके क्लिक करके सीधा सीधा आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे अपना डाल देना है कौन से इंस्टीट्यूट को आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। डीम्ड में भी डाल सकते हैं, किसी और में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो जो आपको कॉलेज पसंद है वो आप डाल सकते हैं। ये थे दोस्तों आपकी आज की वीडियो, अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के स्टेटस के बारे में, ये देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया था किस कॉलेज में बॉन्ड है, ये डीम्ड कॉलेज है। आप देखते हैं डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र है, इसमें से जैसे आपका बॉन्ड लिख रखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को बोलना सर हमें बॉन्ड भी दिखाना है, तो ये देखिए वीडियो देख ली आराम से, देखिए बॉन्ड भी आपका, विस्तार से पढ़िएगा इस बॉन्ड को, ठीक है। ये देख सकते हैं अंडरटेकिंग बॉन्ड ऑन 100 रुपीज स्टैम्प पेपर, ये देख सकते हैं स्टैम्प पेपर भी है, ये पूरा बॉन्ड है दोस्तों आपका। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें बॉन्ड के बारे में बताइए, ये देख सकते हैं ये पूरा पढ़ सकते हैं आराम से क्या क्या है इसमें, ठीक है। फीस क्या भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, वो सीधा सीधा लिखवा देते हैं आपका, आप कोई इसके हिसाब क्लेम नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट,
कॉलेज की। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो। दोस्तों ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर जितने भी वीडियो डाल रखे हैं वो सारी देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों आयुष काउंसलिंग रिलेटेड। ठीक है।